नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि के दिव्य धारा के बारे में। हम इसके यूजेज, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दिव्य धारा मेडिसिन बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। कहीं भी आपका सर में दर्द हो, हेडक हो, या जॉइंट पेन हो, या मूंछ लग गई हो, या शरीर के किसी भी विभाग में पेन हो रहा है, तो उसमें यह बहुत ही उपयोगी है। यह लिक्विड डोजेज फॉर्म में आती है, जो कि टॉपिकल इस्तेमाल होती है। इस पार्ट पर, जिस स्पेसिफिक एरिया में आपको पेन है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल रोल ऑन करके किया जाता है। उस एरिया में इसको आपको लगाना होता है। यह लिक्विड फॉर्म में आती है, जो कि 10 ml के पैकिंग में आती है, और इसका जो है प्राइस है मात्र 30 rupees है। यह आपको किसी भी नज़दीकी पतंजलि के स्टोर पर मिल जाती है इजीली। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, कौन कौन से चीज़ों को मिलाकर इस मेडिसिन का निर्माण किया गया है। दोस्तों, यह एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर फिर भी दोस्तों मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से की सलाह से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे यह एक OTC मेडिसिन है, आपको इजीली पतंजलि के स्टोर पर मिल जाएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों इसमें है पेपरमिंट है और कैम्फोर का यूज हुआ है, जो कि पेन को कंट्रोल करता है। इसमें क्लोव है, लौंग है, जो कि इन्फ्लामेशन में काम आता है, पुदीना है, जो कि नर्वस काम में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में बहुत ही उपयोगी है, अजवाइन है, जो कि इन्फ्लामेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और पेन को कंट्रोल करता है। यूकेलिप्टस ऑयल है, जिसे कि हिंदी में हम नीलगिरी का तेल के नाम से जानते हैं, और यह पेन में बहुत ही यूजफुल है। कुल मिलाकर इसमें बहुत ही उपयोगी पेन किलर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का निर्माण करके इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। हेडक में और शरीर में कहीं भी पेन हो, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कफ है, अस्थमा है, हेडक है, या टूथेक है, आपके दांतों में दर्द है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रिकॉशन में ये है दोस्तों कि इसका इस्तेमाल एक्सटर्नली किया जाता है। हम एक्सटर्नली बॉडी पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनली कहीं पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आँखों में इसको नहीं लगाना चाहिए, आपको बहुत जलन देगा। सिर दर्द हो तो आप सर पर इसको रोल ऑन करके लगा सकते हैं, या लिक्विड फॉर्म में आता है। यदि आपको कफ की समस्या है, सर्दी है, और नाक बंद है दोस्तों, ठीक है, और सर्दी का जब मौसम होता है तो नाक बंद हो जाता है, तो उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपका नाक ज़्यादा बंद है तो आप किसी बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए और 8 से 10 बूंद उस पानी में डालिए, उसको गर्म करके उसका भाप लीजिए, तो आपका नाक जो बंद है वो निश्चित ही खुल जाएगा, और दोस्तों आपको रिलीफ मिलेगा इस मेडिसिन के यूज करने से। दोस्तों, बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन है या हेडक है, सर में दर्द है, तो इसमें इस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं। ये एक OTC प्रोडक्ट है, जो कि पतंजलि के किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल जाता है। यदि आपको कफ की समस्या है, अस्थमा है, हेडक है, तो दांतों में दर्द रहता है, कफ है, पेन है, तो इसमें आपको यह जो मेडिसिन है, ये जो प्रोडक्ट है, यह एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत ही उपयोगी है। ये आपको 30 rupees में मिल जाता है, जो कि 10 ml की पैकिंग में आती है। यह दोस्तों खुल भी जाता है, इसको खोल के आप पानी में डाल के 8 से 10 बूंदे डालिए और इसको गर्म करके इसका भाप लीजिए, आपका नाक जो है खुल जाएगा। यदि आपका नाक बंद है, सर्दी है, जुकाम है, तो इसको आप सूंघ करके इसका भाप ले करके इस्तेमाल करिए, और निश्चित ही यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, आप इस मेडिसिन को सीने पर या कहीं भी लगा सकते हैं, जिस पार्ट में आपको मोच आया है, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको मोच आया है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल ऑन करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नली आपको यूज़ करना है, इंटरनली आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और ख़ास ध्यान रखना है कि बच्चों की पहुँच से
यह दूर रहे। दोस्तों, यह मेडिसिन आपको पतंजलि के किसी भी स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। यदि आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया है तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या यूज करना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी राय, अपना सुझाव जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।